अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका बहुत घूम लिया, थोड़ा मिडिल ईस्ट जाकर देखते क्या चल रहा है। 4000 साल पहले इंसान की प्रजाति क्या कर रही थी इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन उस समय से मिडिल ईस्ट कंट्री लेबनान का नाम प्रचलित है। लेकिन ये कैसे संभव है? देश बनने से पहले उसका नाम कैसे बन सकता है? ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह ने अपना पहला चमत्कार लेबनान के सिडोन शहर में दिखाया था, पानी को शराब में बदलकर। कोनिनसियन लेबनान के मूल निवासी थे, जिन्होंने पहली बार नौका बनाई और क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन हमें ये बात कभी बताई नहीं। इसलिए जो इतिहास हमें सुनाया जाता है वही सच होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आज के वीडियो में लेबनान के बारे में थोड़ी अलग जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जिसके बारे में आप नहीं जानते। दुनिया का सबसे पहला लॉ स्कूल इसी देश में बनाया था। हालांकि आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इटली का नाम दिखाई जाता है। रोमन साम्राज्य के दौरान सम्राट अगस्तस ने देश का सबसे बड़ा शहर, जिसे आज हम बेरूत कहते, वहां पर पहला लॉ स्कूल बनाया। लेकिन उस समय के साम्राज्य और आक्रमण की वजह से 551 ईस्वी में लॉ स्कूल को बंद किया। आज भी देश की राजधानी बेरूत को मदर ऑफ लॉ कहा जाता है। मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश जहाँ पर रेगिस्तान नहीं दिख रहा, बल्कि इसके करीबी देशों में रेगिस्तान की कमी नहीं। दुनिया को एक बात अजीब लगती है, सबसे बड़ा गर्म देश होने के बावजूद भी स्नोफॉल होता है और स्की रिसोर्ट जो साल में 3 महीने तक खुले रहते हैं। अगर आप लेबनान घूमना चाहते हो तो राजधानी बेरूत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूरोपियन शहर और एशिया के कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा है। भारत से लेबनान जाने वाली फ्लाइट में कुवैत एयरवेज, इमिरेट्स एयर अरेबिया, जेट एयरवेज, गुल्फ एयर, इजिप्ट एयर, टर्किश एयरलाइन और कतर एयरवेज शामिल है। वीडियो के शुरू में हमने एक बात कही थी, देश का नाम सबसे पुराना है, लगभग 4000 साल। लेकिन कैसे? यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट लेबनान, इसी के नाम पर देश को नाम मिला था। देश के मूल निवासी जिन्हें कोनिनसियन कहा जाता है, उन्होंने ही पर्वत को लेबनान नाम दिया था, जिसका अर्थ है सफेद। जाहिर तौर पर बर्फ से ढकी हुई चोटियों को दिखाने के लिए, शायद उस समय के लोग बर्फ को किसी और नाम से भी जानते होंगे। इतिहास में कोनिनसियन लोग सेदार पेड़ को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। उन्होंने समुद्री जहाज, मंदिर और घर बनाने के लिए इसी पेड़ का इस्तेमाल किया था। देश का इतिहास और पेड़ का संबंध काफी गहरा समझा जाता है, इसलिए लेबनान के झंडे में इसी पेड़ को दिखाया। इतिहास से लेकर आज तक कोई साम्राज्य कब्जा करना चाहता था तो उनकी नजर लेबनान की राजधानी बेरूत पर रुक जाती, क्योंकि देश का सबसे बड़ा शहर और व्यापार केंद्र है। देश ने इतने युद्ध भी नहीं लड़े होंगे, उससे भी ज्यादा साम्राज्य और कब्जा राजधानी पर हो चुका है। रोमन साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था। सम्राट अगस्त ने यहाँ पर लॉ स्कूल बनाया था, लेकिन इस्लामी विजय के बाद बेरूत शहर अरब शासन के अधीन हो गया। 16वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य शहर में बढ़ गया। हालांकि ऑटोमन साम्राज्य के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, तुर्की से ऑटोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, जो यूरोप के कई सारे हिस्सों पर शासन कर रहा था। लेकिन पहले विश्व युद्ध में पूरा देश फ्रांस के कब्जे में आ गया। उन्होंने राजधानी को इतना बदल दिया, पूरे शहर में फ्रांसीसी प्रभाव दिखने लगा। 1943 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद अगले 50 सालों तक राजधानी बेरूत में आंतरिक युग संघर्ष चलता रहा। यहाँ का टूरिज्म या टूरिस्ट अट्रैक्शन चार शहरों की तरफ सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पर आता है राजधानी बेरूत। ऐतिहासिक शहर होने की वजह से 2024 में बेरूत के नेशनल म्यूजियम में इतिहास से लेकर आज तक सभी घटनाओं का दृश्य देखने को मिलेगा। टायरे, त्रिपोली और सोडोम नाम के शहरों में रोमन साम्राज्य के कुछ सबूत, खंडहर, ऐतिहासिक जगह और केबल कार में बैठने का मजा भी मिलेगा। 2024 में देश की आबादी 60 लाख हो चुकी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, लेकिन फ्रेंच और इंग्लिश भी बोली जाती है। इंग्लिश का इस्तेमाल एजुकेशन, बिजनेस और टूरिज्म सेक्टर में किया जाता है। पर्यटक लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश ही सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। यहाँ का मेन रिलीजन इस्लाम, आबादी का 54%, 40% आबादी क्रिश्चियन है। अफ्रीकन देशों की तरह सफारी का मजा लेबनान में मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देश पारंपरिक तरीके से सफारी को सपोर्ट नहीं करता। हालांकि यहाँ पर 10 से भी ज्यादा नेशनल पार्क मौजूद है। न्यूबियन आइबेक्स, स्ट्रिप्ड हाइना, रेड फॉक्स, गोल्डन जकाल और यूरोपियन बगर, कुछ इस तरह के जानवर देश में पाए जाते हैं। यहाँ के कुछ फेमस त्योहार, खाने की चीजें और म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी सबसे ज्यादा होने की वजह से मुस्लिम उनके इस्लामिक लूनर कैलेंडर के अनुसार त्योहार मनाते हैं और क्रिश्चियन ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर के अनुसार। ईद अल फितर और ईद अल अदा दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके अलावा क्रिश्चियन 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। आर्मेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, इसलिए ईसाइयों का क्रिसमस जूलियन कैलेंडर के अनुसार 6 जनवरी को मनाया जाता है।
आपको एक बात पता होगी, पर्यटक जब किसी और देश में घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग वहाँ की खाने की चीजें होती है। देश में लगभग 27 अलग प्रकार की डिश मतलब खाने की चीजें मिल सकती है। कुछ फेमस डिश जैसे कि शवारमा, एक मांस का टुकड़ा जिसे मसालेदार तरीके से बनाया जाता है। ऑटोमन साम्राज्य के लोगों ने सबसे पहले शवारमा बनाया था। शवारमा में इस्तेमाल किया जाने वाला मांस ज्यादातर भेड़, चिकन या बीफ का होता है।